यहाँ तक कि कैलकुलेशन के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप आता है हमारे पास, वो होता है संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि अगर किसी फर्म का पुनर्गठन होता है तो स्टार्टिंग में हमने जो देखा कि हमको त्याग अनुपात, लाभ प्राप्ति अनुपात ज्ञात करना है, गुडविल का एडजस्टमेंट करना है, ख्याति का समायोजन करना है, संचय आवितरित लाभ जो है उनको हमको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन ये जो हमारा लास्ट प्रोसेस जो होता है, जब हमको संपत्ति और दायित्व को रिवेल्युएट करना रहता है, पुनर्मूल्यांकन करना रहता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि बहुत सारी संपत्तियों का मूल्य बढ़ जाता है या घट जाता है, और बहुत सारे दायित्व ऐसे दिखाई देते हैं जिनका मूल्य घट जाता है या बढ़ जाता है। तो इसके लिए हमको एक रिवेल्यूशन अकाउंट बनाना होता है। ये इस रिवेल्यूशन अकाउंट को हम उसके प्रारूप के आधार पर बना सकते हैं, जनरल एंट्री के आधार पर बना सकते हैं, या फिर हम इसके लिए कुछ गोल्डन रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इनमें सबसे बेस्ट जो कंडीशन होती है, जहाँ पर क्रियात्मक प्रश्नों में गलती होने की संभावनाएं बहुत कम होती है, उसके लिए हमको अडॉप्ट करना चाहिए इस रिवेल्यूशन अकाउंट का गोल्डन रूल। तो आइए देखते हैं क्या है ये गोल्डन रूल। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि जब संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो, अगर समायोजन में कुछ ऐसी बातें दी गई हैं जिससे हमको ये पता चलता है कि संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो गई है, तो हम ये देखेंगे कि संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होना फर्म के लिए लाभ है या हानि। जाहिर सी बात है, किसी भी संपत्ति का मूल्य अगर बढ़ता है तो फर्म को लाभ होता है, और जनरल एंट्री के गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग अगर फर्म को लाभ होता है तो उसकी एंट्री हम क्रेडिट साइड में करते हैं। तो इस कंडीशन में जब किसी संपत्ति का मूल्य बढ़ जाए तो बढ़ी हुई जो राशि है उसको हमको पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट में लिखना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब किसी संपत्ति का मूल्य कम हो जाए, तो जब भी किसी संपत्ति का मूल्य कम होगा तो फर्म को एक प्रकार से हानि होगी, और जब भी हानि होती है उसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पर हानि की जो राशि है या कमी की जो राशि है उसको हम रिवेल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। हमको ध्यान में रखना है कि डिफरेंस अमाउंट यानी जितनी की कमी हुई है या जितनी की वृद्धि हुई है, केवल उतनी ही अमाउंट को हमको रिवेल्यूशन अकाउंट में लिखना होता है। अब ऐसे ही दायित्व के बारे में देख लें, तो दायित्व के बारे में हम देखते हैं कि अगर दायित्व के मूल्य में वृद्धि होती है, साधारण सी बात है, दायित्व बढ़ गया यानी हानि, कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे लॉस हो रहा है, एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो रहा है, तो हानि मानकर हम इसको रिवेल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे। और अगर दायित्व के मूल्य में कमी हुई है तो इसको हम लाभ मानते हुए पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। जैसे कि हमने जनरल एंट्री में रूल अपना देखा था, जब भी लॉस होता है, एक्सपेंस होता है, उसको हम डेबिट में लिखते हैं, जब भी प्रॉफिट होता है, अर्निंग होता है, गेन होता है, उसको हम क्रेडिट में लिखते हैं। तो बस बहुत साधारण से रूल को फॉलो करते हुए हमको रिवेल्यूशन अकाउंट बनाना होता है। अगर हम इस कंसेप्ट बेस पे अगर हम रिवेल्यूशन अकाउंट बनाएंगे तो गलती की संभावनाएँ बहुत कम होती हैं। इसी रिवेल्यूशन अकाउंट को हम जनरल एंट्री के बेस पे भी बना सकते हैं, लेकिन कई बार हम किसी जनरल एंट्री को अगर गलत कर दिए या मिस कर दिए कोई जनरल एंट्री, तो वहाँ पर हमारा रिवेल्यूशन अकाउंट गलत हो सकता है। इसके साथ साथ आइए देखते हैं कि ऐसी कंडीशन में जब संपत्ति का मूल्य बढ़ता है या घटता है तो किस तरह की जनरल एंट्रीज की जाती है। हालांकि ये सारी जनरल एंट्री अभी गोल्डन रूल पे ही बेस्ड है। अगर हमको खाता बनाने कहा गया है तो बेहतर होगा कि हम गोल्डन रूल फॉलो करें, और अगर जनरल एंट्री कही गई है तो उसी गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग हम जनरल एंट्री भी वहाँ पर पास कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन या संपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन पर हम कौन कौन सी जनरल एंट्री दे सकते हैं। संपत्ति व दायित्वों के मूल्य में हुए परिवर्तन को पुस्तकों में दर्शाया जाए तो पुनर्मूल्यांकन खाते के लिए निम्न प्रविष्टियां की जाती हैं। पहला, संपत्ति का मूल्य बढ़ने पर, बींग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरा, संपत्ति का मूल्य घटने पर, बींग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तीसरा, दायित्व में कमी आने पर, बींग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट।
चौथा, दायित्व में वृद्धि आने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। पांचवा, पुनर्मूल्यांकन से लाभ होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। छठवा, पुनर्मूल्यांकन से हानि होने पर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पुनर्मूल्यांकन खाते का प्रारूप प्रोफार्मा ऑफ रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट साइड संपत्ति के मूल्य में कमी, दायित्व के मूल्य में वृद्धि, उल्लेखित दायित्व का पुनर्मूल्यांकन से लाभ साझेदारों के पूंजी खाते में स्थानांतरित, क्रेडिट संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि, दायित्व के मूल्य में कमी, अलेखांकित संपत्तियां पुनर्मूल्यांकन से हानि साझेदारों की पूंजी खाते में हस्तांतरित। प्रोफार्मा ऑफ रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट साइड टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। क्रेडिट साइड, by increase in the value of assets, by decrease in the value of liabilities, by unrecorded assets account, by loss transferred to old partners capital account in old ratio. तो आपने देखा कि बहुत आसानी से हम गोल्डन रूल को फॉलो करते हुए संपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर पंजी प्रविष्टियां कर सकते हैं। अब आइए इससे संबंधित कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को हल करें। गणेश और महेश साझेदारी फॉर्म में हैं, जो 3:1 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं और भविष्य में लाभ हानि का अनुपात बराबर रखना चाहते हैं। 31 दिसंबर 2012 को उनका स्थिति विवरण निम्न प्रकार है। बैलेंस शीट, लायबिलिटी क्रेडिटर्स 1 लाख, बिल्स पेबल 10,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000, जनरल रिजर्व 16,000, कैपिटल गणेश 1 लाख, महेश 84 लाख, टोटल 1,84,000। एसेट साइड, बिजनेस प्रीमाइसेस 1 लाख, फर्नीचर 4,000, स्टॉक 80,000, बुक डेबिट 64,000, बिल्स रिसीवेबल 12,000, कैश एट बैंक 80,000, कैश इन हैंड 10,000। टोटल ऑफ बैलेंस शीट 3,50,000। लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन की तिथि को उन्होंने निश्चय किया कि ए, व्यावसायिक भवनों के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाएगी, बी, स्कंद तथा फर्नीचर प्रत्येक 10% से कम किया जाएगा तथा देनदारों पर संदिग्ध ऋण संचय के लिए 5% संचय किया जाएगा। पुनर्मूल्यांकन खाता रिवॉल्यूशन अकाउंट, साझेदारों का पूंजी खाता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तथा फर्म का प्रारंभिक स्थिति विवरण बैलेंस शीट ऑफ द फर्म बनाइए। यहाँ इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि संपत्ति और दायित्वों को रिवेल्युएट किया गया है और रिवेल्यूशन में कई संपत्तियों के मूल्य में कमी या वृद्धि और कई दायित्वों के मूल्य में कमी या वृद्धि होती है। तो उसके लिए हमने जैसे कि वीडियो में देखा था कि क्या नियम है अगर संपत्ति या दायित्व के मूल्य में कमी या वृद्धि हुई, तो उस रूल को हम फॉलो करते हुए और साथ साथ हमने जो प्रारूप देखे रिवॉल्यूशन अकाउंट को उसको फॉलो करते हुए हम सबसे पहले एक रिवॉल्यूशन अकाउंट तैयार कर लेंगे, जिसमें 4 कॉलम होंगे, 2 साइड होगा डेबिट और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड के 2 कॉलम होंगे पर्टिकुलर अमाउंट और क्रेडिट साइड के 2 कॉलम होंगे पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट देखेंगे
क्योंकि एडजस्टमेंट से हमको पता चलता है कि किन किन संपत्तियों या दायित्वों के मूल्य में कमी या वृद्धि हुई है। फर्स्ट एडजस्टमेंट हम देख रहे हैं, व्यवसायिक भवनों के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है। अब क्योंकि व्यवसायिक भवन यानी बिजनेस प्रिमाइसेस हमारे लिए एसेट्स है और एसेट्स के मूल्य में वृद्धि हुई है यानी कि हमको लाभ हुआ है, और क्योंकि ये लाभ है ये मानते हुए हम इसको रिवेल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। तो यहाँ हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बिजनेस प्रिमाइसेस अकाउंट, और कितना लाभ हुआ है तो 1 लाख बिजनेस प्रिमाइसेस है उसका 20% इंक्रीज हुआ है यानी कि 20,000 रुपीज के अमाउंट हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे। नेक्स्ट बी एडजस्टमेंट हम देखते हैं, स्कंद और फर्नीचर, स्टॉक और फर्नीचर दोनों को 10% से कम किया जाएगा क्योंकि स्टॉक और फर्नीचर दोनों हमारे लिए एसेट्स है और एसेट्स की वैल्यू अगर कम हो रही है यानी कहीं हमको लॉस हो रहा है और क्योंकि ये लॉस है इसलिए हम इसको रिवेल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। तो कितना लिखेंगे, स्टॉक की वैल्यू है 80,000, 80,000 का 10% यानी कि 8,000 डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट और 8,000 हम लिखेंगे। फर्नीचर की वैल्यू यहाँ पर हम देख रहे हैं 4,000 है, 4,000 में हम 10% कम कर दें यानी कि 400 हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू फर्नीचर। और बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक डेटर्स था जिसपे हमको 5% का रिजर्व बनाना है और क्योंकि एक देनदार पर संदिग्ध ऋण संचय भी करना है 5% का। अब क्योंकि डेटर्स से हमको पैसा मिलने वाला था अब हम उस पर एक रिजर्व बना रहे हैं यानी कहीं ना कहीं एक प्रकार से हम इसको लॉस मानते हुए बैड डेट्स मानते हुए इसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं रिवेल्यूशन अकाउंट के। तो डेटर्स पे हम इसको बनाते हैं, यहाँ पर हमको डेटर्स दिखाई दे रहे हैं 64,000 के और 64,000 पर हम 5% रिजर्व बनाएंगे तो ये 3,200 का हमको रिजर्व यहाँ पर मिल जाएगा, इसको हम डेबिट साइड में लिख देंगे। तो और इसके अतिरिक्त कहीं पर कोई एडजस्टमेंट दिख नहीं रहा है, कोई रिवोल्यूशन दिख नहीं रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम इस रिवोल्यूशन अकाउंट को यहीं क्लोज कर देंगे। तो क्रेडिट में हम देख रहे हैं कि ज्यादा अमाउंट दिखाई दे रही है 20,000 की, इसमें से हम डेबिट अमाउंट यानी 8,400 और 3,200 को माइनस करेंगे तो बैलेंस हमको यानी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने का जो बैलेंस है वो हमको क्रेडिट बैलेंस मिल रहा है यानी प्रॉफिट मिल रहा है 8,400, जिसको कि हम जो दो पार्टनर है हमारे यहाँ गणेश और महेश उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो अनुपात प्रश्न में बताया गया है 3:1 में। तो इस अमाउंट को हम 3:1 में ट्रांसफर कर देंगे तो गणेश के हिस्से में आ जाएगा 6,300 और महेश के हिस्से में आ जाएगा 2,100, इसको हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके रिवोल्यूशन अकाउंट को यहीं क्लोज कर देंगे। अब हमको बनाना है कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बैलेंस शीट बनाने बोला है तो कैपिटल अकाउंट हमको बनाना ही पड़ेगा और कैपिटल अकाउंट में हम वही फॉर्मेट इसका रखेंगे जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था जब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे थे तो इनसे रिलेटेड जो भी एंट्रीज होती है पार्टनर से रिलेटेड वो सब इसमें आ जाती है, जिसमें कि हम क्वेश्चन में देखते हैं सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया है क्या। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनका बैलेंस दिया गया है गणेश का 1 लाख और महेश का 84,000, क्योंकि कैपिटल है इसलिए सबसे पहले हम इसको क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर लेंगे बाय बैलेंस बीडी 1 लाख गणेश के लिए और 84,000 महेश के लिए। उसके बाद हमने देखा कि जनरल रिजर्व, जैसे कि हम जनरल एंट्री में देख रहे थे जनरल रिजर्व जो होता है वो पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उनका जो रेशियो दिया रहता है उसमें, हमेशा कहीं भी हमको बैलेंस शीट में ओल्ड बैलेंस शीट में अगर जनरल रिजर्व दिखता है तो उसको हमको पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जितने भी हमारे पार्टनर हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है जो भी क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया रहे उसमें। तो 16,000 हमको यहाँ पर जनरल रिजर्व दिख रहा है, इस 16,000 को हम 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो गणेश के हिस्से में आएगा 12,000 और महेश के हिस्से में आएगा 4,000। उसके बाद हम यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस दिया है बैलेंस शीट में, आप देखेंगे तो बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस दिया है और किस साइड दिया है, लायबिलिटी साइड में दिया है। तो इसको हम 40,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और ये हो जाएगा 30,000 गणेश के लिए और महेश के लिए हो जाएगा 10,000,
जब भी हमको लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिखे, जनरल रिजर्व का बैलेंस दिखे, तो हमको उसको कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो जो जितने भी पार्टनर हैं उनको जो भी ओल्ड रेशियो दिया है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि रिवेल्यूशन अकाउंट जब हमने क्लोज किया था वहां पर हमने लास्ट में जो उसका आंसर था उसको हमने लिखा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके। तो अब वहां पर गणेश के हिस्से में आया था 6,300, वो हम गणेश के हिस्से में क्रेडिट में लिख देंगे, क्रेडिट बैलेंस था वो। और महेश के हिस्से में आया था 2,100, वो हम महेश के हिस्से में लिख देंगे। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में कोई भी एंट्री नहीं आ पाई है, तो हम यहीं पे कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। गणेश के हिस्से का क्रेडिट जो टोटल है वो है 1,48,300, और महेश के हिस्से का जो टोटल है क्रेडिट साइड का वो है 1,01,000। पूरा का पूरा ये जो बैलेंस है ये हम डेबिट साइड में ले आते हैं, टू बैलेंस सीडी लिखकर गणेश और महेश के हिस्से में ये अमाउंट लिखकर हम कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देंगे। अब हमने क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्रीज कर ली, रिवोल्यूशन अकाउंट बना लिया, कैपिटल अकाउंट बना लिया, अब इनके आधार पर हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो जब भी हम रिवोल्यूशन अकाउंट से रिलेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं, क्वेश्चन को हमको अपने सामने रखना है, क्वेश्चन में जो ओल्ड बैलेंस शीट दी गई है उसको हमको अपने सामने रखना है, और उसके बाद हमको रिवोल्यूशन अकाउंट में क्या क्या हमने चेंज किया है उसको ध्यान देना है कि कहाँ पर एसेट्स की वैल्यू बढ़ी, कहाँ पर एसेट्स की वैल्यू कम हुई, कहाँ पर लाइबिलिटी बढ़ी, कहाँ पर लाइबिलिटी कम हुई। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट में देख रहे हैं, अपनी ओल्ड बैलेंस शीट में बिजनेस प्रमाइसेस दिया है 1,00,000, लेकिन हमने देखा कि रिवोल्यूशन में इसकी जो वैल्यू है वो 20,000 इंक्रीज हो गई, तो यहाँ पर हम 1,00,000 प्लस 20,000 यानी 1,20,000 लिखेंगे। फिर सेकेंड हम देख रहे हैं बैलेंस शीट में फर्नीचर लिखा हुआ है, फर्नीचर दिया है 4,000, लेकिन हमने रिवोल्यूशन में देखा कि इसकी वैल्यू 10% यानी कि 400 कम हो गई, तो ये हो जाएगा 3,600। थर्ड हम देख रहे हैं स्टॉक दिया हुआ है 80,000 का, लेकिन जब हमने रिवोल्यूशन देखा तो वहां पता चला कि स्टॉक की वैल्यू 8,000 से कम हो गई, तो उसको हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, और अब हमारे पास वर्ष के अंत में 72,000 का ही स्टॉक बचा है ये हम मानते हैं। डेटर्स के बारे में बताया गया था, नेक्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं बुक डेब्ट्स दिए गए हैं 64,000 के, जिसमें से हमने 3,200 रिजर्व बना दिया था बैड डेब्ट्स के लिए जब हम रिवोल्यूशन कर रहे थे, तो अब हमारे पास वर्ष के अंत में केवल 60,800 के ही डेटर्स हैं। फिर यहाँ पे बैलेंस शीट में बिल्स रिसीवेबल दिया है 12,000, जिसमें कि कोई एडजस्टमेंट नहीं था, हम एज इट इज उसको उतार लेंगे। कैश एट बैंक दिया गया है 80,000, इसको हम यहाँ पर वैसे का वैसा ही नोट कर लेंगे, और कैश इन हैंड दिया गया है 10,000, उसको हम नोट कर लेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं लायबिलिटी साइड में, तो हम देख रहे हैं कि क्रेडिटर दिया गया है, क्रेडिटर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, प्लस माइनस 1,00,000 है, 1,00,000 हम ऐसे ही नोट कर लेंगे। बिल्स पेबल दिया गया है 10,000 का, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है, उसको भी हम ऐसा ही 10,000 नोट कर लेंगे। और फिर हमने देखा जब हम कैपिटल अकाउंट बनाए तो हमको वहां से जो कैपिटल बैलेंस मिला, जो कि हमको बैलेंस शीट में लिखना चाहिए होता है, वो हम लिख लेंगे यहाँ पर गणेश के हिस्से में 1,48,300 और 1,01,000, टोटल 2,48,400। और अब हम इस बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल लाइबिलिटी और असेट्स दोनों साइड का टोटल करेंगे, तो ये टोटल हमको मिल रहा है 3,58,400 और एसेट्स में भी 3,58,400। तो इस तरह से हमने इस बैलेंस शीट में जो भी एडजस्टमेंट थे, प्लस या माइनस था, वो हमने किया और पुरानी बैलेंस शीट के आधार पर किया, और इस तरह से हमने इस बैलेंस शीट को क्लोज किया। तो अभी तक हमने देखा कि जब संपत्ति और दायित्व के मूल्य में परिवर्तन होता है तो किस प्रकार हम रिवोल्यूशन अकाउंट बना के उनका समायोजन कर लेते हैं, लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी होती है जब प्रश्न में स्पष्ट रूप से कह दिया जाता है कि ये जो संपत्ति और दायित्व के मूल्य में परिवर्तन है इसको हमको कहीं लिखना नहीं है, कहीं शो नहीं करना है। भले हम ना लिखें लेकिन वास्तव में तो परिवर्तन हुआ है,
कहीं ना कहीं कोई कमी या वृद्धि संपत्ति या दायित्व के मूल्य में हुई है, तो ऐसे कंडीशन में फिर एडजस्टमेंट कैसे किया जाए? तो यहाँ हमको ध्यान में रखना है कि ऐसे कंडीशन में एक तो जो लाभ हानि का जो बैलेंस होता है उसको हमको साझेदारों में नहीं बांटना है। क्यों नहीं बांटना है? क्योंकि पुनर्गठित फर्म के स्थिति विवरण में संपत्ति और दायित्व का जो मूल्य है वो रिवैल्यूएट जो अमाउंट है, पुनर्मूल्यांकित यानी नई वाली जो अमाउंट है, न्यू अमाउंट है, उस पर शो नहीं किया गया है, क्योंकि लिखना ही नहीं था, पुरानी बैलेंस शीट को ही फॉलो किया गया है अभी तक। तो लेकिन फिर भी जो कमी और वृद्धि हुई है उसको कहीं ना कहीं हमको एडजस्टमेंट एंट्री के द्वारा शो करना है। तो इसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री हम यहाँ पर दे देंगे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और जो एडजस्टमेंट अमाउंट होगी उससे हम इस एंट्री को पास कर देंगे। अशोक व आलोक फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि को 4:3 के अनुपात में बांटते हैं। उनका चिट्ठा 31 दिसंबर 2018 को निम्न था। बैलेंस शीट लायबिलिटीज क्रेडिटर 14,000, रिजर्व 21,000, कैपिटल फॉर अशोक 1,20,000, फॉर आलोक 60,000, टोटल 1,80,000। एसेट्स में कैश 10,000, सन्ड्री डेटर्स 60,000, स्टॉक 70,000, फिक्स एसेट्स 75,000, टोटल ऑफ बैलेंस शीट 2,15,000। उन्होंने 1 जून 2018 से यह तय किया कि लाभ हानि को 2:1 के अनुपात में बांटेंगे। इस उद्देश्य हेतु यह निश्चय किया गया कि पहला, स्थायी संपत्ति को 10% से हासिल किया जाए। दूसरा, देनदारों पर संदिग्ध ऋण के लिए 6% का प्रावधान किया जाए। तीसरा, स्टॉक का मूल्यांकन 95,000 रुपये किया जाए। चौथा, लेनदारों में 1,850 रुपये शामिल हैं जिनके द्वारा दावा नहीं किया जाएगा। साझेदारों ने यह तय किया कि वे संशोधित मूल्य को पुस्तकों में नहीं लिखेंगे और न ही संचय को बांटेंगे। आप आवश्यक जनरल के लेखे पूंजी के माध्यम से कीजिए व संशोधित चिट्ठा बनाइए। इस प्रश्न की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर साझेदारों ने यह तय कर लिया है कि रिवैल्यूएशन करते समय जो वैल्यू फ्लक्चुएट हुई है एसेट्स और लायबिलिटी की, कम ज्यादा जो हुई है, उसको कहीं पे भी पुस्तकों में नहीं लिखा जाएगा। यानी कि उनको संपत्ति और दायित्व के मूल्य में जो परिवर्तन हुए उसको पुस्तकों में नहीं लिखा जाएगा, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था, और संचय को भी हमने वहां पर बांटा था, रिजर्व को कैपिटल अकाउंट में, वो भी नहीं बांटेंगे। ऐसे कंडीशन में एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में जो चेंजेस हुए हैं उनको हम कैसे शो करेंगे, फर्म की वास्तविक स्थिति का पता हम कैसे लगाएंगे? तो इसके लिए ये कहा गया है कि जनरल एंट्री के माध्यम से आप उसको शो करिए और फिर हमको एक संशोधित चिट्ठा बनाना है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया था। तो सबसे पहले यहाँ पर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, जैसे हम अभी तक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते आए हैं उसी तरह से हम बनाएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं, एडजस्टमेंट देखेंगे हम सबसे पहले, कि फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है स्थायी संपत्ति को 10% से हासिल किया जाए। जनरल एसेट्स आर टू बी डिपेंडेंट बाय 10%। तो यहाँ पर स्थायी संपत्ति की वैल्यू हम देख रहे हैं अपने पुरानी बैलेंस शीट में जो क्वेश्चन में दी गई है वो है 75,000, क्योंकि ये एसेट्स है और इसको डेप्रिसिएट किया जा रहा है, इसकी वैल्यू को, यानी कि कम किया जा रहा है। और जब हम एसेट्स की वैल्यू को कम करते हैं तो वो हमारे लिए लॉस है, और लॉस है इसलिए हम उसको रेवल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू फिक्स एसेट्स, और कितना लॉस है, कितना माइनस हमको यहाँ पर हो रहा है, 75,000 का 10% यानी 7,500, ये अमाउंट हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट हम देख रहे हैं, देनदारों पर संदिग्ध ऋण के लिए 6% का प्रावधान किया जाए। अ प्रोविजन ऑफ 6% बी मेड ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर्स है हमारे 60,000, इस पे हमको 6% प्रोविजन करना है, 60,000 का 6% यानी कि 3,600,
और क्योंकि डेटर्स हैं हमारे, एसेट्स हैं, इनको हम इनकी वैल्यू जब कम करेंगे, बैड डेब्ट्स मानेंगे हम या प्रोविजन इस पे हम करेंगे, तो वो हमारे लिए एक तरह का लॉस है और लॉस मान के हम उसको रेवल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। तो डेबिट में हम लिखेंगे टू डेटर्स 3600, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टॉक की वैल्यूएशन 95,000 पर की जाएगी, स्टॉक बी वैल्यूएट एट 95,000। अभी हम प्रश्न में देख रहे हैं कि जो स्टॉक है वो 70,000 का है और इसको हमको कर देना है 95,000, यानी कि स्टॉक की वैल्यू में हमको 95,000 माइनस 70, यानी 25,000 इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि स्टॉक हमारे लिए एसेट्स है और एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो ये लाभ है हमारे लिए, प्रॉफिट है, इसलिए इसको हम रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय स्टॉक 25,000। हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एसेट्स या लायबिलिटी की जितनी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, केवल उतनी ही वैल्यू की एंट्री हमको यहाँ पर करनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, लेनदारों में 1,850 रुपये शामिल है जिनके द्वारा दावा नहीं किया जाएगा। लेनदार यानी क्रेडिटर, हमको उनको पैसा देना है, लायबिलिटी है हमारी। 1850 के हमको ऐसे क्रेडिटर मिल गए जो हमसे पैसा नहीं मांगेगी किसी कारण से, यानी वो हमको प्रॉफिट हो गया एक प्रकार से, तो प्रॉफिट मानते हुए हमको इसको रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है बाय क्रेडिटर 1850। और अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो भी रिवोल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक्स थे वो हमने सारे लिख लिए हैं यहाँ पर। अब हम इसको क्लोज करने के लिए बैलेंस निकालते हैं, तो यहाँ हमको क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा दिखाई दे रहा है 26,850, इसमें से हम डेबिट का जो बैलेंस है 7,500 और 3,600 वो माइनस कर देंगे, तो हमको यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है इसलिए हम इसको प्रॉफिट मानेंगे, प्रॉफिट मिल जाएगा हमको 15,750। हालांकि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि जब हम रिवोल्यूशन कर लिए उसके बाद हमने जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन की, उस प्रॉफिट को हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था हमने तुरंत ही, लेकिन यहाँ पर कंडीशन कुछ अलग है। यहाँ पर कुछ कोई भी रिवोल्यूशन से रिलेटेड जो भी बैलेंसेस है उनको हमको नहीं शो करना है, तो हम इसको डायरेक्ट 15,750 यहाँ पर लिख देंगे। अब इस कंडीशन में हमको क्या करना है, जबकि संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि या कमी को कहीं शो नहीं करना है, ना रिजर्व ट्रांसफर करना है, ना रिवोल्यूशन का प्रॉफिट वहां पर जा सकता है, तो ऐसे कंडीशन में हम देखते हैं कि टोटल यहाँ पर अपने पास कौन सी अमाउंट है जितने को हमको पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक तो हमको रिवोल्यूशन से प्रॉफिट मिला है 15,750 और एक हमारे पास जनरल रिजर्व था जो हमने अभी तक उसको टच नहीं किया, कहीं भी हम नहीं लिखे हैं, यानी 36,750 की अमाउंट है जो डिस्ट्रीब्यूशन टू पार्टनर अमाउंट हम इसको मानते हैं, वो साझेदारों में बांटने योग्य राशि है। अब यहाँ पर हमको जरूरत पड़ेगी सेक्रीफाइजिंग या गेनिंग रेशियो की, तो हम यहाँ हम देख रहे हैं कि ओल्ड रेशियो जो है अशोक और आलोक का वो है 4:3 जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, और न्यू रेशियो जो है वो भी क्वेश्चन में दिया गया है 2:1। अब इस कंडीशन में हमको ओल्ड और न्यू रेशियो दोनों मिल गया, तो इससे हम गेनिंग या सेक्रीफाइजिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अशोक का जो ओल्ड रेशियो है वो है 4:7, इसमें हम न्यू रेशियो माइनस कर देते हैं 3:7, तो ये हो जाएगा 12-14/21, यानी -2/21 आ रहा है, यानी गेनिंग रेशियो है। आलोक का हम देख रहे हैं ओल्ड रेशियो है 3:7 और न्यू रेशियो है 1:3, इसको हम कैलकुलेट करते हैं 9-7/21, तो ये हो जाएगा 2/21, तो क्योंकि प्लस में आ रहा है यानी ओल्ड ज्यादा और न्यू रेशियो कम है, तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो गेनिंग पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर का जो हिस्सा है वो है -2/20, अगर इसको हम जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो प्रॉफिट था, बांटने योग्य जो प्रॉफिट था उसमें हम इसका हिस्सा निकालें, तो ये हो जाएगा 36,750 × 2/21 यानी 3,500। और आलोक जो कि सेक्रीफाइजिंग पार्टनर है उसका हिस्सा अगर हम निकालते हैं तो वो हो जाएगा 36,750 × 2/21 यानी 3,500 जो है ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हो जाएगा। तो अभी तक हम जिस तरह से इसकी जनरल एंट्री करते आ रहे थे उसी तरह हम इसकी जनरल एंट्री कर देंगे। पहले भी हमने देखा कि इस कंडीशन में हम एंट्री करते हैं, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को हम क्रेडिट करते हैं,
तो यहाँ हमारी एक प्रॉपर जनरल एंट्री हो जाएगी, अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आलोक कैपिटल अकाउंट 3500 से हम इसकी एंट्री करेंगे। और नरेशन हम यहाँ पर लिख देंगे बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स प्रॉफिट एंड रिजर्व। अब हम बना लेंगे इसके लिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जिसमें सबसे पहले जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया गया है क्वेश्चन में, अशोक के हिस्से में 1,20,000 और आलोक के हिस्से में 60,000, वो हम यहाँ पर ट्रांसफर कर लेंगे। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जब हमने जनरल एंट्री की तो हमने एंट्री की थी अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आलोक कैपिटल अकाउंट, यानी आलोक का कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा था, तो यहाँ पर हम आलोक के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे 3,500 बाय अशोक कैपिटल अकाउंट। जनरल टू लेजर हम जैसे ट्रांसफर करते हैं उसी कंसेप्ट के आधार पर यहाँ पर हम इस जनरल एंट्री को पार्टनर कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अशोक का अकाउंट डेबिट हो रहा है टू आलोक अकाउंट, तो फिर हम डेबिट साइड में भी वैसे ही करेंगे, डेबिट में लिखेंगे हम टू आलोक और अशोक के हिस्से में हम लिखेंगे 3,500। अब हम देखते हैं इनका बैलेंस क्या आता है, तो बैलेंस हम देख रहे हैं कि अशोक का जो क्रेडिट टोटल है वो है 1,20,000, इसमें हम 3,500 माइनस कर देते हैं तो ये हो जाता है 1,16,500, और आलोक का जो टोटल है 63,500 उसमें माइनस करने के लिए कुछ भी पॉइंट नहीं है हमारे पास, तो उसको हम एज इट इज लिख देंगे 63,500। तो ये जो इनका पार्टनर कैपिटल अकाउंट है वो 1,20,000 और 63,500 से क्लोज हो जाएगा। बैलेंस शीट में क्योंकि अब हमको मना किया गया है कि किसी प्रकार का कोई फ्लक्चुएशन यहाँ पर शो नहीं करना है, तो जो हमारी ओल्ड बैलेंस शीट है एज इट इज उसको नोट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैश दिया गया है 10,000, सन्ड्री डेटर्स दिए गए हैं 60,000, स्टॉक दिया गया है 70,000, फिक्स एसेट्स दिया गया है 75,000, टोटल है 2,15,000। अब वैसे ही क्रेडिटर में भी हमको वैसे का वैसे नोट करना है, क्रेडिटर है हमारे 14,000 के, रिजर्व है हमारा 21,000 और कैपिटल में हमको यहाँ पर चेंज करना है, कैपिटल जो है वो अशोक का है 1,16,500 और आलोक का है 63,500, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बैलेंस शीट हमारी 2,15,000 पे क्लोज हो जाती है। किसी भी कंडीशन में जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो हमको बहुत बारीकी से पुरानी बैलेंस शीट यानी कि प्रश्न में जो बैलेंस शीट दी गई है उसका अध्ययन करना है, और साथ साथ हमको एडजस्टमेंट एंट्री को देखते चलना है कि कहाँ कहाँ पर एडजस्टमेंट है, कौन कौन सी संपत्तियों के मूल्य में कमी या वृद्धि हो रही है। इन पुनर्मूल्यांकन संबंधी प्रश्नों को और आसान बनाने के लिए हम एक काम ये कर सकते हैं कि जब हम प्रश्नों को पढ़ें तो बैलेंस शीट में हम उन संपत्ति और दायित्वों को टिक करते चलें जिनमें समायोजन है। अगर हम इस तरह से करेंगे तो किसी भी प्रकार से किसी तरह का समायोजन छूटेगा नहीं। तो इस पूरे अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन का प्रभाव साझेदारी फॉर्म में पड़ता है, और इस एक परिवर्तन को एडजस्ट करने के लिए हमको त्याग अनुपात, लाभ प्राप्ति अनुपात, फिर ख्याति का समायोजन करना पड़ता है, साथ में हमको जो संचिति होती है या अवितरित लाभ होते हैं उनका हमको किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन करना है पार्टनर को, और फिर हमने देखा कि किस प्रकार से रिवोल्यूशन अकाउंट बना के फर्म में जो भी चेंजेस हुए हैं, फर्म के एसेट्स से लायबिलिटी में जो भी चेंजेस हुए हैं उनको हम फर्म के बैलेंस शीट में शो कर सकते हैं। और इस चैप्टर में हमने केवल लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन को ही देखा। यहाँ पर हमने जो कंसेप्ट देखे, जो नियम देखे, रिवोल्यूशन अकाउंट के जो प्रारूप देखे, इनको ही हम आगे बढ़ाते हुए अगले चैप्टर में देखेंगे नए साझेदारों का प्रवेश, यानी कि जब फॉर्म में कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो क्या एक नई स्थिति बनती है। हालांकि वहाँ पर भी हमको लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन करना पड़ेगा, नया लाभ हानि विभाजन अनुपात निकालना पड़ेगा, और क्योंकि संपत्ति कुछ वो लेके आएगा या कुछ दायित्वों के भुगतान को वो नया साझेदार स्वीकार करेगा, ऐसी कंडीशन में हमारा जो पुनर्मूल्यांकन खाता है रिवोल्यूशन अकाउंट जो है वहाँ पे हमको कुछ नयापन देखने को मिलेगा। तो हम अपने अगले अध्याय में देखेंगे क्या है नए साझेदारों का प्रवेश।